नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य रीता शर्मा आज आपके सामने एक नए विषय को लेकर आई हूँ। आज का विषय है दुर्घटना योग। आज हम जानेंगे ज्योतिष के माध्यम से कि दुर्घटना योग हमारी कुंडली में किस प्रकार से बनते हैं। बहुत ही संक्षिप्त में आपको बताऊंगी दुर्घटना योग किस तरह से बनते हैं। आजकल देखा जाता है कि सड़क पर दौड़ते हुए वाहनों के बीच दुर्घटना हमारे जीवन में कभी भी हो सकती है। यदि हम जन्म कुंडली में दुर्घटना योग के कारण को जानेंगे तो हमको थोड़ा और आसानी से पता लग जाता है। ज्योतिष के अनुसार दुर्घटना योग हर व्यक्ति के साथ नहीं होता, यह व्यक्ति की विशेष कुंडली पर भी निर्भर करता है। कोई भी व्यक्ति अपनी कुंडली के जरिए यह जान सकता है कि उसके साथ भविष्य में कभी कोई दुर्घटना हो सकती है या नहीं। यदि लगन या दूसरे घर के भाव में बैठा राहु और मंगल ग्रह हो तो ये मिलकर दुर्घटना या किसी प्रकार की घटना का योग बनाते हैं। यदि लगन में शनि या मंगल दोनों में से कोई भी स्थित हो तो ये भी अशुभ होने के संकेत अवश्य देते हैं। कुंडली में यदि शनि ग्रह और मंगल दोनों ही मिलते हैं तो दुर्घटना योग होने का योग अवश्य बनता है। जिस प्रकार से तीसरे भाव में अगर शनि या मंगल ग्रह किसी ने भी अपनी स्थिति बना रखी हो तो ये हानिकारक संकेत देते हैं। दुर्घटना योग का ऐसे करे समाधान, जैसे मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि दुर्घटना योग जब हमारी कुंडली बने तो उसका समाधान किस प्रकार से बनाया जाए। समाधान तो अवश्य होता है, समाधान करते जाएंगे तो हम दुर्घटना योग हम टाल भी सकते हैं। दुर्घटना योग से बचने के लिए मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगी। जिस प्रकार से हनुमान जी के मंदिर में देसी घी का दिया अवश्य जलाना चाहिए प्रत्येक मंगलवार, और साथ में हो सके तो हनुमान जी को लाल रंग का कपड़ा अवश्य चढ़ाएं या झंडी लगाएं या अथवा लंगोट चढ़ाएं। साथ में अगर हो सके तो प्रत्येक मंगलवार ये भी कोशिश करते रहना चाहिए कि दुर्घटना योग से जातक को बचना है तो उसको केसरी रंग का सिंदूर और लाल रंग के लड्डू जरूर चढ़ाते रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं दुर्घटना योग के लिए एक विशेष बात आपको बताना चाहूँगी कि ज़्यादातर तो जातक इस उपाय को कर नहीं पाते, लेकिन फिर भी अगर दुर्घटना योग से बचना है तो हर जातक को ये जरूर कोशिश करते रहना चाहिए कि हम इस दुर्घटना योग से किस प्रकार से अपने जीवन को बचाएं। मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें, जितना हो सके सात्विक रहेंगे तो ऐसी दुर्घटनाओं से हम जीवन में बचते ही चले जाएंगे। लेकिन शर्त ये है कि हमें परहेज रखते रहना चाहिए ताकि हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई भी दुर्घटना ना हो सके। घर की छत पर साल में एक या दो बार लाल रंग का झंडा अवश्य लगाएं। साथ में कोशिश करें कि प्रत्येक दिन हनुमान जी की चालीसा करते रहें या हनुमान जी का कोई ना कोई आप बीज मंत्र अपने घर के अंदर बोलते रहें या सुनते रहें। इससे भी हम कई प्रकार की दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। अगर आपको मेरा ये इस अगर आपको मेरी ये जानकारी सही लगी हो तो आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।